गुलबाज को डुस हो गया हुआ ऊपर और वो उठ नहीं रहा, बहुत उठाया उसे, वो कह रहा था मैं यही सोना है। उठ जो गुलबाज। हेलो जी, वी आर बैक विद अदर व्लॉग। अभी अभी सोया हुआ उठा हूँ, 2:30 बज गए हैं आज यार, लेट हो गया हूँ मैं उठने में, देरी हो गई है। एक दो काम करने थे वो अब रह जाएंगे, क्योंकि दिन बहुत ही छोटे छोटे हैं सर्दियों के, इस वजह से यार पलक झपकते ही टाइम गुजर जाता है, समझ नहीं आती। फिर बंदा बाद में सोचता है कि यार ये काम भी करने वाला रह गया, ये भी रह गया, ये भी रह गया, ये भी रह गया। तो जब टाइम गुजरा होता है तब नहीं पता होता बंदे को कि क्या करें। आज मुझे छींकें बहुत ज़्यादा आ रही हैं, पता नहीं कौन याद कर रहा है। तो जिस जिसने अभी तक जूबी ब्लॉग सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। हम मालूम है तेरे बाप को, मत सिखा चल, और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दो। आज के दिन मन के सब्सक्राइब पूरे करो मेरे जल्दी से। अभी यार मैं नहा के फ्रेश हो जाऊं तो समझ लो कि फिर मैं नाश्ता ही करने लगा हूँ एक हिसाब का, क्योंकि आके मैंने कुछ नहीं खाया था, ऐसे ही सो गया था, आते ही सो गया था। और अब उठाऊं, नाश्ता नुश्ता कुछ नहीं किया था, अभी मैं नाश्ता करने लगा हूँ। यार पहले मैं नहा लूँ, नाश्ता कर लूँ, फिर उसके बाद बाहर चलेंगे। तो वेट करो मेरा आधा, मेरा दोस्त अहमद, मेरे दोस्त अहमद, क्या कर रहे हो यहाँ लेट के? अहमद क्या कर रहे हो यहाँ लेटे हुए यार? क्या है? आज छुट्टी नहीं दी? टूटी टूटी। मामी ने छुट्टी नहीं दी आज? आ दी। क्यों? अभी अब तो रात भी हो गई है, तो तुझे घर क्यों नहीं भेजा, बताओ जरा। मैं जाने वाला है। जाने तो वाला है, लेकिन भेजा क्यों नहीं इतनी देर से? क्या कह रही है मामी कि घर नहीं जाना? अहमद की छुट्टी नहीं है? है। हाँ बता ना। तो आ रहा है आज, मैं यार मेरे साथ जाना है। आज हम दोनों चले बाहर शाम में, रात हो गई या शाम में, क्या कह रहा हूँ मैं, रात हो गई है तो रात को चलते हैं अब बाहर घूमने फिरने। नहीं यार। यार क्या हो गया है, चला जाना बाहर। नहीं यार। फिर तुम तो मुझे बर्गर भी खिलाना और मैं तुझे शिवारमा खिलाऊंगा। क्यों? मेरा दोस्त आया हुआ है, आज रात हो गई है और अभी तक इसको छुट्टी नहीं मिली, इसने काम नहीं किया, कलर नहीं सही किए थे इसलिए इसने कलर नहीं सही किए थे इसलिए इसको छुट्टी नहीं मिली, है ना, इसीलिए नहीं ना मिली इसको छुट्टी। नहीं सही कलर करता है, ये सही कलर करता है अहमद, अहमद ने कलर ही तो नहीं सही किए थे जिसकी वजह से इसको छुट्टी नहीं दी, क्या बस वैसे ही छुट्टी नहीं दी अहमद को। अहमद जाने लगा है घर और मैं जाने लगा हूँ थोड़ी देर तक ऑफिस। सारी रात ऑफिस में गुजारने के बाद मैं जा रहा हूँ घर, अभी सीढ़ियाँ उतर रहा हूँ, यहाँ पे अंधेरा है, एक ही लाइट चल रही है और वो भी मैं यहाँ से बंद करूँगा, उसके बाद मुकम्मल अंधेरा हो जाएगा। ये मैं करने लगा हूँ लाइट बंद, अंधेरा हो गया, अब सिर्फ नीचे थोड़ी सी रोशनी है, ऊपर नहीं है। यहाँ रोशनी में आ गया हूँ यार, ये भी लाइट बंद कर देते हैं जाते जाते, जो मेरी स्लिप लगी हुई है, ये शीशा लगा हुआ है। वाओ खूबसूरत खूबसूरत लग रहा हूँ मैं। चल झूठा। अभी यार ये ऊपर लाइटें जल रही हैं, ये भी बंद कर देते हैं, ये दोनों लाइटें बंद कर दी हैं, बाहर निकलेंगे यहाँ से। यार अभी तक लॉक नहीं लगवाया, उसने लॉक उतार ही दिया परमानेंट, कि नया क्या करना, लगवा के उतार ही दो। तो अब निकल आया हूँ बाहर, एक ही बाइक है, पैदल जाना है मैंने। अभी सारा कुछ बंद है, सारी शॉप शूप्स बंद हैं और सूरज शुरू हो चुका है, तकरीबन 8 बज गए हैं, रोड ये भी खाली है, एक शॉप खुल गई है, वो बर्तनों वाली, कुछ ब्रश वगैरह रखे हैं उसने, और इस साइड पे वो एक सुपर स्टोर टाइप शॉप है वो खुल गई है, वो आगे, और कैट वगैरह आ रहा है यहाँ से, ट्रैफिक आहिस्ता आहिस्ता यहाँ से स्टार्ट हो गई है। बट मैं जाने लगा हूँ अब घर,
ये चिली मिली ब्यूटी सलोन और ये वो यहाँ पे हम नीचे आ गए हैं। अब घर जाएंगे यार, घर जाके नाश्ता करना है। भूख बहुत ज़्यादा लग गई हुई है, मेरा गला ख़राब है, सही से बोला नहीं जाता यार, आवाज़ भी भारी हो जाती है। ये अभी कैमन साहब भी यहाँ खड़े हैं और मैं भी खड़ा हूँ यार। वैसे एक फ़ायदा हो गया हमारा यहाँ पे न्यू ऑफिस बनाने का कि सामने खुली फिजा है और शोर वगैरह नहीं होता, क्योंकि जब हम पुराने पहले वाले ऑफिस में तो वहाँ पे शोर बहुत ज़्यादा होता था, क्योंकि वो मेन रोड पे था, तो वहाँ पे गाड़ियाँ चलने का शोर बहुत ज़्यादा होता था। यहाँ पे शुक्र है कि नहीं होता। ये मैं शॉप के बाहर चल रहा हूँ सीढ़ी पे, ये अहमद आ गया नीचे। क्या हुआ ऊपर? गुलबाज कोडू सो गया हुआ ऊपर और वो उठ नहीं रहा, बहुत उठाया उसे, वो कह रहा कि मैं यही सोना है उसको। अजीबोगरीब काम है यार, समझ नहीं आते क्या करे बंदा। तो अभी यार मैं घर जाके नाश्ता करना है, तो जाते हुए मैंने कोई वीडियो शीडियो नहीं बनानी रस्ते में, क्योंकि शोर बहुत ज़्यादा होना है। मैं यार ज़रा ऊपर उसको उठाऊँ जाके, वो सोया हुआ है, दिखाता हूँ आपको। अभी ले रहा है, यहाँ स्किप करते हैं, इसको मैं उठाने आया था। उठ जो गुलबाज, चुमी दे दो एक। वो तेरा तो होना ना, मैं तो याद ना। नहीं नहीं तड़ा मुंह खा। चलो आ जाओ फिर, उठो चले। ये बिस्तरे बुस्तरे समेट के रख दिए हमने। ये जनाब हम घर सोने आते हैं यहाँ से, घर सोने आते हैं यहाँ से। बेकूफ आदमी, पुठा डायलॉग मारो तो फिर मशहूर हुंदा बंदा। अच्छा गुलबाज साहब उठ गए हैं, अब चलते हैं। घर आके नाश्ता कर लिया है, अभी मैं लेटा हूँ सोने की तैयारी में यार। मेरा जी चाह रहा है कि थोड़ी देर सो जाऊँ, फिर उठ के तो जो काम वगैरह हैं वो करेंगे और न्यू व्लॉग स्टार्ट करेंगे। वैसे भी यार आज वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल है इंडिया और न्यूजीलैंड में, तो देखो यार इंडिया जीतता है कि न्यूजीलैंड जीतता है। मेरा तो जी चाह रहा है कि न्यूजीलैंड जीत जाए, क्योंकि अगर न्यूजीलैंड जीत गया तो मज़ा आएगा, क्योंकि न्यूजीलैंड के पास भी वर्ल्ड कप नहीं है और साउथ अफ्रीका के पास भी नहीं है, इंडिया के पास भी है और ऑस्ट्रेलिया के पास भी है। ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका का सेकंड सेमीफाइनल होगा, इंडिया और न्यूजीलैंड का फर्स्ट सेमीफाइनल है आज, तो ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका का कल है। तो मैं चाह रहा हूँ कि आज न्यूजीलैंड जीत के फाइनल में जाए और उधर से साउथ अफ्रीका जीत के सेकंड सेमीफाइनल में फाइनल में जाए, तो न्यूजीलैंड और अफ्रीका का फाइनल आए और इन दोनों टीमों में से यार कोई एक जीते और कप ले जाए, क्योंकि पहले इन दोनों टीमों के पास कोई वर्ल्ड कप नहीं है। पिछली दफ़ा न्यूजीलैंड वालों के साथ बहुत बड़ी ज्यादती हुई थी यार, इंग्लैंड ने बेईमानी से वर्ल्ड कप जीता था। पिछला वर्ल्ड कप न्यूजीलैंड का ही था, जीत भी गए हुए थे, बस एम ही उन्होंने बाउंड्रीज के चक्कर में उलझा के तो इंग्लैंड को कप जिताया था। वैसे इंग्लैंड के साथ इस वर्ल्ड कप में बहुत बुरी हुई है, शायद कुदरत ने पीछे वाला कोई बदला लिया उनसे जो बेईमानी की थी उन्होंने। इस दफ़ा इंग्लैंड सेमीफाइनल तक भी नहीं जा सकी यार, सिर्फ और सिर्फ उन्होंने चैम्पियन ट्रॉफी के लिए क्वालिफाई किया, वो भी 3-4 मैच जीत के हैं वो, इस वजह से क्वालिफाई हो गया, नहीं तो नहीं होना था। पाकिस्तान यार इंग्लैंड से भी हार गया लास्ट में, इंग्लैंड सबसे हारता हुआ आ रहा है और पाकिस्तान इंग्लैंड से हार गया यार। पता नहीं ये क्या कर रहे हैं, सिलेक्शन कमेटी नहीं सही, ये सही होनी चाहिए थी। अब बाबर आजम को यार कप्तानी पे नहीं रखना चाहिए, कोई और कैप्टन होना चाहिए। मेरे ख्याल से तो सरफराज इज़ द बेस्ट कैप्टन, वो अभी यार खेल सकता है, तो सरफराज को ही खिलाएं। चैम्पियन ट्रॉफी में सरफराज कैप्टन होना चाहिए और आमिर को भी लाना चाहिए वापस, और उसके बाद इमाद वसीम को भी खिलाना चाहिए टीम में। अहमद शहजाद है यार, इतने सारे प्लेयर्स हैं अच्छे अच्छे, उनको नहीं खिला रहे, ये बस ऐसे ही ड्रामा कर रहे हैं। इतना टैलेंट पड़ा हुआ है उसको यूज़ ही नहीं कर रहे। बस मैं ये चाहूँगा कि यार इस दफ़ा चैम्पियन ट्रॉफी में सरफराज को खिलाएं, और मुझे लगता है कि अगर वो खेला तो चैम्पियन ट्रॉफी लेके आएगा इंशाल्लाह।
यार अब मुझे आ रही है नींद। मैं फिलहाल पीने लगा हूँ चाय। चाय आ गई है, मैं चाय पीने लगा हूँ। अगर चाय पीनी है किसी ने तो पी लो, नहीं तो मैं तो पीने लगा हूँ। मैं चाय पी के तो सोने लगा हूँ। हालांकि यार चाय पी के सोया नहीं जाता, लेकिन मैं चाय पी के सो जाऊंगा क्योंकि मैं सारी रात जागा हुआ हूँ। अब मुझे नींद आ रही है। तो सो इसके साथ ही आज के व्लॉग का एंड करते हैं। आप सब अपना ख्याल रखना, मुझे अपनी दुआ में याद रखना, मैं आपको अपनी दुआ में याद रखूंगा। मिलूंगा कल एक नई व्लॉग के साथ। तो अल्लाह हाफिज़।